नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय राजपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काव्य के अंतर्गत प्रमुख कवि व आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में, जिनमें हम आज अध्ययन करेंगे छायावाद के बारे में। दोस्तों, छायावाद, कुछ कवियों ने छायावाद को ऐसा काव्य कहा है कि जिसका अर्थ किसी अन्य पर पड़ता हो, जिसकी छाया किसी अन्य व्यक्ति या काव्य पर पड़ती हो, उसको हम छायावाद कहते हैं। प्रारंभ में छायावाद का प्रयोग व्यंग्य रूप में उन कविताओं के लिए किया गया जो अस्पष्ट थी और जिनकी छाया अर्थात अर्थ कहीं और पड़ता था, और इस प्रकार छायावाद द्विवेदी युग के बाद में आविर्भाव हुआ और इसकी समय सीमा 1920 से 1936 तक मानी गई है। लेकिन हमारे हिंदी के प्रख्यात विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी समय सीमा 1918 ईस्वी मानी है, और इन्होंने अपना तर्क, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि 1918 में प्रसाद जी की झरना व निराला जी की जूही की कली 1916 में प्रकाशित हो चुकी थी, और पल्लव 1918 जो कि छायावाद की मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। इन प्रमुख रचनाओं के कारण ही छायावाद का आविर्भाव हुआ, और रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को माना है। छायावाद की परिभाषा कुछ विद्वानों ने दी है, हम प्रमुख विद्वानों में से कुछ विद्वानों की परिभाषा देखते हैं, जिनमें सर्वप्रथम है डॉक्टर नगेंद्र, जो हिंदी के बहुत प्रख्यात विद्वान हैं, जिन्होंने रस सिद्धांत प्रस्तुत किया, और इन्होंने परिभाषा दी है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये पंक्ति ऐसे कि ऐसे कंपटीशन एग्जामों में पूछी जाती है, आप इसको याद कर लीजिएगा, छोटी सी पंक्ति है, याद भी रहेगी परिभाषा के तौर पर। अगले जो विद्वान है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ये छायावादी कवि कहलाते हैं। परमात्मा की छाया आत्मा में व आत्मा की छाया परमात्मा में पढ़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा छायावाद के बारे में। और छायावाद को परिभाषित करने का प्रयास अन्य कवियों ने भी किया है, लेकिन हम सुविधा की दृष्टि से यहाँ पर जो मुझे अच्छी लगी और याद करने की दृष्टि से भी शॉर्ट है, तो आप इन परिभाषाओं को याद कर लीजिएगा। अब हम अध्ययन करेंगे छायावाद की विशेषताओं के बारे में। सर्वप्रथम हम बात करेंगे विशेषताओं के अंतर्गत आत्माभिव्यंजन। आत्माभिव्यंजन अर्थात छायावाद की विषय वस्तु
छायावादी कवियों ने अपने जीवन से ही खोजने का प्रयास किया और अपने जीवन की घटनाओं को अपने काव्य में चित्रित किया, वर्णित किया। और छायावाद में आत्मा विभंजन की दृष्टि से देखा गया है कि इसमें छायावादी कवियों ने अपने जीवन व अपनी आत्मा की अभिव्यंजना की है, अपने आत्मा की पुकार को अपने काव्य में दर्शाया है। आइए हम एक उदाहरण देखते हैं जिसमें व्यक्तिगत भावों की झलक मिलती है। विधुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा कर नित नव सिंगार, पूजता मैं तुम्हें कुमारी मूंद दोहरे दृग द्वार। यहाँ पर कवि अपने जो उदास मन है, उदास हृदय है, उससे किसी महिला के बारे में जो अव्यक्त है उसके बारे में कह रहा है कि मैं तुम्हारा श्रृंगार करूं और मैं तुम्हारी पूजा करूं। मूंद दोहरे दृग, अपने दोनों आँखों के द्वारों को मूंद कर तेरी पूजा करूँ। तो इसमें अव्यक्त किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया है, अस्पष्ट भाव है इसमें। उस प्रकार ऐसी रचनाएं छायावादी रचनाओं में देखने को मिलती है और इसमें व्यक्तिगत भाव परिलक्षित होते हैं। अगला एक उदाहरण देखते हैं जो निराला जी की काव्य रचना से लिया गया है। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। ये निराला जी ने राम की शक्ति पूजा की पंक्तियां हैं और इसमें भगवान राम के कथन द्वारा जो निराला जी है अपने व्यक्तिगत जीवन को बता रहे हैं कि ऐसे इस जीवन में मैं धिक्कारता हूँ जो जिसका सभी लोगों ने विरोध किया है, और ऐसे साधन जिसके लिए मैंने शोध किया ऐसे साधनों के लिए धिक्कार करता हूँ। श्री राम के वचन है इसमें और अप्रत्यक्ष रूप में निराला जी का व्यक्तिगत भाव इसमें झलकता है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि छायावादी कवियों में आत्माभिव्यंजना का भाव है। अगली जो विशेषता है वो है सौंदर्य चित्रण। सौंदर्य चित्रण, छायावादी कवियों ने सौंदर्य चित्रण को भी अपने काव्य में महत्व दिया और छायावादी कवियों ने श्रृंगारिक पदों की रचना की। इसमें मूलतः जो छायावादी कवि हैं वे प्रेम व सौंदर्य के कवि कहलाए और प्रेम व सौंदर्य को महत्व दिया। आइए एक उदाहरण देखते हैं प्रसाद जी का, कामायनी काव्य में से देखिए। और इसमें श्रद्धा जो कामायनी रचना है, महाकाव्य है, उसकी नायिका है, उसकी सुंदरता का वर्णन है इसमें। नील परिधान बीच सुकुमार, फुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल। अर्थात यहाँ पर श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि नीले परिधान है बीच सुकुमार, नीले परिधानों के बीच में वो सुकुमारी विराजमान है, स्थित है। खुल रहा मृदुल अधखुलांग, और उसका सुंदर प्यारा अधखुला दिखाए, उसका उसका जो शरीर है वो अधखुला है। खिला हो जो बिजली का फूल, और उसकी ऐसी स्थिति, ऐसी मनोरम छवि को देखकर कवि ये कह रहा है कि जैसे कोई बिजली का फूल खुल गया हो। अर्थात उसमें सौंदर्य की पराकाष्ठा थी, सौंदर्य से परिपूर्ण वो नारी थी, नायिका थी। अगला है श्रृंगार निरूपण।
छायावाद का की विशेषताओं में तीसरी विशेषता है श्रृंगार निरूपण। छायावादी कवियों ने श्रृंगार को महत्व दिया और श्रृंगारिक पदों की रचना की, और इसमें छायावादी कवियों ने श्रृंगार को अधिक महत्व दिया है और छायावादी रचनाओं में नायिका का रूप सौंदर्य व श्रृंगार का वर्णन किया है। आइए एक उदाहरण देखते हैं निराला जी का, जो जूही की कली कविता से लिया गया है, और उन्होंने अपने मनोभावों को प्रकृति पर आरोपित करके अपने मनोभाव व्यक्त किए हैं। आइए देखते हैं, बहुत अच्छी कविता है। निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की, झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार दे सारी झकझोर डाली। अर्थात किसी नायक ने किसी नायिका से प्रेम पूर्वक व्यवहार किया और वो व्यवहार में अधिकता ज़्यादा दिखाई देती है, और इन पदों में श्रृंगार का निरूपण किया गया है। अगली जो छायावादी काव्य की विशेषता है वह है नारी भावना। छायावादी कवियों की नारियों के प्रति कैसी भावना थी, आइए देखते हैं। नारी भावना, जो छायावादी कवि है उन्होंने नारी को भी पुरुष के समान ही महत्व दिया है, और नारी को संघर्ष करते हुए दिखाया है, और नारी को एक प्रेरणा के तौर पर भी चित्रित किया है। जैसे कि प्रसाद की कामायनी रचना में श्रद्धा मनु को जीने के लिए प्रेरित करती है। आइए देखते हैं एक उदाहरण। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रगत रजत जग नग पग तल में। तो श्रद्धा नारी को श्रद्धा से परिपूर्ण होकर प्रसाद जी ने नारी को श्रद्धा का भाव कहा है। पंत जी की कुछ पंक्तियां देखिए। तुम देवी आह कितनी बार, तुम देवी आह कितनी उदार, वह मात्र मूर्ति है निर्विकार। यहाँ पर पंत जी नारी की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि तुम बहुत उदार हो, मात्र मूर्ति हो, और आप में कोई विकार नहीं है, देवी आप में कोई विकार नहीं है। अर्थात कहा जा सकता है कि जो छायावादी कवि है वो नारियों की प्रशंसा भी की है, प्रेरणा स्रोत माना है मनुष्य जीवन का। आइए एक और उदाहरण देखते हैं निराला जी का। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनिया कुमारिका छवि अच्युत। यहाँ पर निराला जी ने भी नारी को एक अंधकार में विद्युत के समान बताया है। अगली जो छायावादी कवियों की विशेषता है, जो प्राचीन काल में हमें आदिकाल में नाथ पंथियों में सिद्ध मतों में सिद्ध मत संप्रदाय में कबीरदास जी की रचनाओं में व उसके बाद इन रचनाओं छायावादी कवियों में देखने को मिलती है, वो है रहस्यवादी भावना। छायावादी कवियों में भी रहस्य की भावना देखने को मिलती है, वो बात करते हैं किसी और की लेकिन अर्थ कुछ और निकल के आता है, किसी और के प्रति निकल के आता है, वो अव्यक्त सत्ता के प्रति अपना मत व्यक्त करते हैं। और ये पंक्तियां हैं पंत जी की, इनमें आप देखिए मौन निमंत्रण कविता से लिया गया है, और इसमें रहस्य भावना आपको दिखाई देगी। न जाने कौन आए द्वितीयमान,
जान मुझको अबोध अज्ञान। ये पंत जी के पंक्तियाँ हैं और मौन निमंत्रण कविता से लिया गया है, जो अपने सिलेबस में भी है, जो अपन बाद में पढ़ेंगे व्याख्या प्रसंग में। प्रसाद जी की कुछ रचना देखिए, इसमें भी रहस्यवादी भावना है। हे अनंत रमणीय कौन तुम, मैं कैसे कह सकता, अर्थात हे रमणीय आप कौन हो, मैं ये कह नहीं सकता। अगला है निराला जी की पंक्तियां हैं। तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुरसरिता, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुरसरिता, तुम विकल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामनी कवितायान। पर निराला जी ने किसी अव्यक्त व्यक्ति के बारे में कहा है, इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रहा, और इसमें उपमा दी गई है, उपमाओं का प्रयोग किया है कि तुम हिमालय हो और मैं उसमें गति करने वाला चंचल सरिता हूँ। तुम विमल हृदय उच्छ्वास, तुम विमल स्वच्छ हृदय वाले हो और मैं कांत कामिनी कविता, और मैं बहुत ही सुंदर कामिनी कविता हूँ। यहाँ पर निराला जी ने कविता की विशेषताओं की ओर भी संकेत किया है, और इसमें रहस्यवादी भावना का भाव ही परिलक्षित होता है। आइए हम आगे देखते हैं इसकी छायावाद की अगली विशेषता है, वो है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण, छायावादी कवियों ने पूर्ववर्ती कवियों की तरह अपने काव्य में प्रकृति को महत्व दिया है, और छायावादी कवियों में एक प्रमुख कवि पंत जी, उनको तो प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। उन्होंने अपने काव्य में प्रकृति का भरपूर प्रयोग किया है, प्रकृति को भरपूर महत्व दिया है। उनकी रचनाओं, उनकी पंक्तियों का उदाहरण देखते हैं कि वो प्रकृति को किसी बाला से भी सुंदर, अधिक सुंदर मानते हैं। देखते हैं उदाहरण। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दू लोचन। ये पंत जी की एक पंक्तियां हैं, एग्जाम में भी काफी पूछी जाती है, नेट JRF कंपटीशन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हिंदी साहित्य के अंतर्गत ये पंक्तियां पूछी जाती है एग्जाम में, इसको आप अच्छे से पढ़ना। और दूसरा उदाहरण देखिए प्रसाद जी का, जिसमें हिमालय का चित्रण वर्णन है, चित्रण है। संध्या घन माला की सुंदर, ओढ़े रंग बिरंगी छुई छींट। यहाँ पर हिमालय की सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि संध्या घन माला की, संध्या के समय बादलों में एक सुनहरे एक माला के समान बन जाती है, ओढ़े रंग बिरंगी छींट, वो ऐसे लग रही है जैसे वो रंग बिरंगी छींट ओढ़ रही हो, अर्थात यहाँ पर संध्या का वर्णन है, और संध्या हिमालय की संध्याकालीन अवस्था का वर्णन है। तो इसमें प्रकृति का चित्रण बहुत ही आकर्षक स्वाभाविक रूप से किया गया है। अगली जो इसकी विशेषता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगली विशेषता है दुख और वेदना का वर्णन। छायावादी कवियों ने दुख और वेदना का वर्णन किया है। छायावादी कवियों ने अपने व्यक्तिगत जीवन को अधिक महत्व दिया, और व्यक्तिगत जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं, और काव्य में दुख और दुख को भी महत्व दिया जाता है, और वेदना से ही काव्य का निर्माण कहा
होता है। हमारे छायावादी कवि पंत जी ने भी कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, हृदय से निकली होगी कविता अनजान। कि जो व्यक्ति वियोगी होता है, दुखी होता है, उसके हृदय से ही कविता का निर्माण किया जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं, महादेवी वर्मा जो छायावादी कवित्री है। मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नबगा कोई कोना। इसमें भी दुख स्पष्ट होता है महादेव वर्मा के व्यक्तिगत जीवन का। अगला जो उदाहरण है वो देखिए, प्रसाद जी की पंक्तियां हैं। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में, स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह बरसने आए। जो हमारे मस्तिष्क में एकदम स्थायी रूप से कोई दुख समा जाए और वो आंसू बनकर, बुरे दिनों में आंसू बनकर बरसने लग जाती है, प्रसाद जी की इन पंक्तियों के द्वारा ये कहा जा सकता है कि जो छायावादी कवि है उनके काव्य में दुख और वेदना का भी स्थान है। अगला है राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति, छायावादी कवियों ने भी राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास किया। उन्होंने अपने काव्य में राष्ट्र भक्ति को स्थान दिया और प्रसाद जी ने तो अपनी कई नाटकों में राष्ट्र प्रेम को महत्व दिया, राष्ट्र प्रेम पर नाटक भी लिखे। और इनके अलावा और भी कवि हैं जिन्होंने राष्ट्र प्रेम को अधिक महत्व दिया है, जिनमें निराला का नाम भी लिया जा सकता है। जो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं, प्रसाद जी का उदाहरण देखते हैं चंद्रगुप्त नाटक से। अरुणय यह मधुमेह देश हमारा, यह पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अपने भारत देश की प्रशंसा करते हुए जो नाटक की नायिका है वो भारत की प्रशंसा करते हुए उसके महिमा का गुणगान कर रही है। दूसरा उदाहरण देखिए, जो राष्ट्र कवि या एक आत्मा भी कहे गए हैं जिनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी, जो क्रांतिकारी भी रहे हैं, जेल में भी गए हैं, और इन्होंने बहुत अच्छी कविता की है राष्ट्र प्रेम पे, जो मुझे बहुत प्रिय है। देखिए उसकी कुछ पंक्तियां देखिए। मुझे तोड़ लेना बन वाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ये फूल की अभिलाषा कविता से ली गई है और इसमें फूल की अभिलाषा है कि मुझे वनमाली तोड़ लेना और उस पथ पर फेंक देना जहाँ पर मातृभूमि की रक्षा के लिए अनेकों वीर अपने प्राणों की आहुति दे देता है। अगली जो विशेषता है छायावादी रचनाओं की, छायावादी काव्य की, छायावाद शैलीगत विशेषता, शैलीगत विशेषता। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि छायावादी कवियों की भाषा कैसी थी, उनका प्रयोग कैसा था, उनके अंदर कौन सा छंद प्रयोग किया, कौन सा अलंकार का प्रयोग किया, ये हम देखेंगे शैलीगत विशेषता के अंतर्गत। तो छायावादी कवियों की मूलतः
जो भाषा है वो है साहित्य खड़ी बोली, और इन्होंने लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया है। वह प्रतीकात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। छायावादी काव्य में जो परंपरा से चले आ रहे अलंकार हैं उनका प्रयोग करने के साथ साथ उन्होंने अलग से प्रयोग किए, जिनमें विश्लेषण, मानवीकरण, ध्वन्यार्थक, व्यंजना और विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग अपने काव्य में किया। छंद की बात करें तो छायावादी कवियों ने मुक्तक छंद में अपनी रचनाएं करी हैं, और छायावादी कवियों की भाषाओं में आंचलिक भाषाओं के शब्द और उर्दू, हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं के शब्द मिलते हैं। छायावादी कवियों में जो महाकवि पंत हैं उनको शब्द शिल्पी भी कहा जाता है। उन्होंने काव्य में नए शब्दों का निर्माण किया। इस प्रकार ये छायावाद की सामान्य प्रवृत्तियाँ या विशेषताएँ रहीं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।